काले धन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काले धन के कुबेरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बीच अब मोदी सरकार ने बैंकों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि सरकार ने बैंकों पर नजर रखने के लिए तकरीबन 500 ब्रांचों में स्टिंग करवाया है और अब तक 400 सीजी वित्त मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। एक अखबार ने इस बात का दावा किया है। बताया जा रहा है कि बैंकों में गड़बड़ियां जांचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों की 500 ब्रांचों में स्टिंग करवाए हैं, जिसमें सरकारी और निजी दोनों बैंक शामिल है। माना जा रहा है कि सीजी से पता चल रहा है कि बैंकों में स्टाफ, पुलिस, दलाल और प्रभावशाली लोगों की साठ काट से पुराने नोट बदले जा रहे हैं। फिलहाल बैंकों में हुई हर गड़बड़ी की जांच जारी है। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हाल ही में गुजरात के डीसा में हुई रैली में पीएम मोदी ने गड़बड़ी करने वालों को चेताया था। उन्होंने कहा था कि बैंकों में की जा रही गड़बड़ियों पर सरकार की नजर है। रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि इन्हें लग रहा है कि पिछले दरवाजे से गड़बड़ी कर लेंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब लोग पकड़े जाएंगे और कोई बचने वाला नहीं है। आज नोटबंदी का 34वां दिन है, लेकिन हालात अभी भी बेहाल हैं। एक तरफ लोग कुछ हजार रुपए के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ आए दिन करोड़ों रुपए की बरामदगी हो रही है और कहीं ना कहीं इसके पीछे बैंकों की मिलीभगत भी सामने आ रही है और इसी के चलते अब केंद्र सरकार ये कार्रवाई कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार के इस कदम से काले धन को सफेद कर रहे बैंकों पर कितनी लगाम लगेगी। देखते रहिए डीबी लाइव।